आगे बढ़ेंगे। झारखंड में राज्य सरकार सूखा पीड़ित किसानों को राहत देने की तैयारी में जुट गई है। हेमंत सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर 29 दिसंबर को इसकी शुरुआत होगी। हेमंत सरकार राज्य के 30 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों के खाते में 3500 रुपए भेजेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में करीब 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लिहाजा किसानों को सुखाड़ से निजात दिलाने के लिए सरकार राहत के तौर पर 3500 रुपए की मदद देगी। योजना के तहत 3500 रुपए प्रति लाभुक प्रति राशन कार्ड देगी। इसके लिए राज्य भर के किसान से 30 नवंबर तक आवेदन मांगा गया है। राज्य सरकार ने 22 जिले के 226 प्रखंड के सभी किसानों से आवेदन मांगा है। 1 रुपए के टोकन पर प्रज्ञा केंद्र से किसान से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन देने वाले किसान 1 डिसमिल से लेकर बिना जमीन वाले भी हो सकते हैं। आपको बता दें, योजना का लाभ लेने के लिए लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं इसको लेकर सत्ता पक्ष का दावा है कि हेमंत सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है, जबकि विपक्ष इसे जनता से धोखा करार दे रही है। राज्य के किसानों को चिंता होती होगी कि हम क्या कर रहे हैं। यह योजना हर घर में पहुँचे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए सारे नियमों में शिथिलता दी गई है। हमारा मकसद देना है और जब राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 29 तारीख को राज्य के लाखों लाख किसानों को यह तोहफा एक साथ आपके सम्मुख देने का फरमान जारी करेंगे। उस दिन उनके खाते में पहुंच भी जाएगा। दिल्ली में किसानों का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन सालों तक चला, कितने 100 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मारे गए, और फिर भी वो 3 काले जो कानून थे उस पर हमारी केंद्र सरकार डटी रही और फाइनली उनको वापस लेना पड़ा। तो हमारी सरकार किसानों के खिलाफ कोई कानून नहीं बना रही है, बल्कि उनके साथ खड़ी है। ये पूरी तरह से धोखा है। जो सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा झारखंड के किसानों को जो सौगात दी गई थी उसे रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया, तो उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जो सरकार, इससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार दलगत भावना से क्षेत्र चिन्हित करे, किसान चिन्हित करे, 50 प्रखंड को इससे अछूता रखा, क्या यहाँ सुखाड़ नहीं है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।